वेलकम है जी वापस से और यार बड़ा अलग सा लग रहा है पता है मतलब अलग सा इसलिए लग रहा है कि हर बार संडे को ओपन करते हैं ना और अभी आज जब मंडे को कर रहे हैं अपन तो थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है डिफरेंट सा कैसे हो तुम सब आ जाओ जल्दी से लाइव आ जाओ यार वेट कर रहा हूँ मैं सुपर संडे विद एम जी, मंडे को शुरू हो गया है एक एक करके सब आ रहे हैं और आज का पहला हाई का वॉट जाता है किसको मेरे को पहला हाई का कमेंट का अवार्ड दिख रहा है पहले हाई के कमेंट के दावेदार तो तीन तीन हैं जैसे निश्चय चौधरी ने किया है शक्ति सिंह झाला ने किया है पर पहले हाई का अवार्ड जाता है युवराज सिंह राज पुरोहित को तालियां वाह आज ना यार मैं थोड़ा सा मतलब क्या पता नहीं क्या मतलब <coughs> नहीं नहीं अभी यार ये अभी तार मौसम ही ऐसा है यार पता है मैं तो बहुत कर लिया मैं अब अब मैंने छोड़ दिया मतलब ठीक होना होगा जब ठीक हो जाऊंगा ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है बस अभी हल्का सा ये मौसम ऐसा चल रहा है अजीब सा और ट्रैवलिंग के जैसे ना कभी ठंड में कभी यहाँ मुंबई की एकदम मस्त हल्की ठंड कभी बाहर सिलीगुड़ी जाता हूँ वहाँ की ज्यादा वाली ठंड फिर कभी कहीं दिल्ली साइड जाता हूँ तो वहाँ की और भी ज्यादा वाली ठंड तो ऐसा मतलब मिक्सर हो रहा है मिक्सर एकदम मिक्स मिक्स मर ऐसा मिक्सी चला दी मस्त सी तो अभी बस यही है और बाकी कुछ भी नहीं है मस्त है एकदम सब तुम सब कैसे हो अभी बताओ पहले तो सब लाइव आओ जल्दी से अभी मैं देख रहा हूँ अच्छा लग रहा है प्रज्वत पाटिल कह रहे हैं हाय किशोर कह रहे हैं हाय 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 ब्रो निकिता कह रही है पूजा यादव हाय आशीष गर्ग हेलो हर्षित खुराना हाय अभिषेक कुमार हाय जूही जैन हाय आर्ज यश हाय यश वर्मा हाय विक्रम बासु प्रेम जांगेड़ देखो अपने, अपने कृष्णा जी हर बार अपने लाइफ चार्ट में हमेशा साथ में अपना लाइफ चार्ट करते हैं मस्त उनके दूर है अपने यार हम इनको गुरु कहते हैं मतलब प्यार से प्यार से तुमको कुछ भी कह लो ये होते इतने प्यारे हैं कि ये हर चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी प्यार से बोला ए, ऐसे ही है मतलब एक गाना है ना एक गाना है वो मेरे को पुराना गाना बहुत अच्छा लगता है और कौन सा है वो हम है ही प्यार के हमसे कुछ ना बोलिए जो भी प्यार से मिला हम उसे होली मतलब जो भी प्यार से मिला हम उसी के तो जो भी प्यार से मिलता हूँ उसी के हो जाते हैं जी जो जिसने जो भी प्यार से बोल दिया जो भी प्यार से दे दिया सब ठीक है सब प्यार है बस प्यार होना चाहिए उस उस हर एक चीज में आपका इंटेंशन मैटर करता है अरे वाह मोहित गुरु के ज्ञान मोहित बाबा के ज्ञान गुरु गुरु नहीं हो मोहित बाबा के लोग मेरे को बाबा हूँ फर्जी बाबा डाडी वाडी भी आई रखी थे बाबा जैसी और थोड़ी बढ़ा लूंगा तो पक्का ही बाबा लगूंगा तो हाँ मतलब लेकिन ऐसे फील होता है मेरे को कभी कभी कि आप क्या करते हो वो मैटर नहीं करता आप किस इंटेंशन से करते हो वो चीज़ वो मैटर करता है तो अगर आपने कोई भी काम किया है कोई भी चीज़ करी है और उसके पीछे इंटेंशन जैसा भी हो अगर इंटेंशन अच्छा बुरा हो नहीं होता इंटेंशन इंटेंशन होता है तो जिस भी इंटेंशन से किया है वो काम वो मैटर करता है तो प्यार भर इंटेंशन से करो मज़ा आएगा फील आएगी तो जी वरुण कुमार कह रहे हैं कहाँ है भाई वरुण भाई मैं मुंबई हूँ और करणा दीप्त कह रहे हैं मोहित सिंगिंग सॉन्ग सागर पटेल कह रहे हैं हाय उमंग भहिती कह रहे हैं हाय मोहित हर्षद खुराना कह रहे हैं न्यू सॉन्ग मोहित ब्रो बिल्कुल हर्षद खुरा <coughs> हर्षद खुराना भाई आज अगर मैं थोड़ा भी थका हुआ हूँ तो सिर्फ इसलिए जैसे हो कि आज सुबह से मैं ना ट्रैक के पीछे घूम रहा हूँ ट्रैक बोले तो रेलवे ट्रैक नहीं ट्रैक बोले तो रेसिंग ट्रैक नहीं ट्रैक बोले तो जब अपन गाना बनाते हैं ना तो गाना बनता है तो उसके पीछे जो तुम्हें म्यूजिक सुनाई देता है ब्यूटिफुल सा ना 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 दुण। दुण। तो वो सारा का सारा म्यूजिक जो होता उसको है उसको ट्रैक कहते हैं मतलब सॉन्ग का ट्रैक होता है तो अभी जो अपने आने वाला आने वाला एक सॉन्ग नहीं आने आने वाला दो सॉन्ग नहीं आने वाला तीन सॉन्ग नहीं आने वाले सॉन्ग की सीरीज है उस सीरीज का क्या नाम रहेगा ये मैं तुम्हें बहुत लाइव चैट से बताए जा रहा हूँ कि मतलब ये नाम होगा वो नाम होगा बताऊंगा नेक्स्ट लाइव चैट में बताऊंगा पर बाकी मैं इस लाइव चैट में मुझे कहना पड़ेगा नेक्स्ट लाइव चैट में शायद मैं बता पाऊँ तुमको कि उस सीरीज का नाम क्या है अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ है जो तो जब डिसाइड हो जाएगा ना अरे यार ये बाल भी ना मेरा अजीब हो गए कि मैं ना ऐसे घूम घाम रहा हूं तो मेरे ना अभी डिस्टिक डिस्कोड आम तर खेल रहे हैं बाल बाल भी हा तो दी हा तो दी क्या हाल चाल मैं तो कितनी बकवास कर लिया यार अब पहले तुम बताओ हाँ पहले हर्षित खुराना का रिप्लाई तो दो तो अच्छे तो तो से तो हर्षित भाई अपना एक सॉन्ग नहीं आ रहा है दो सॉन्ग नहीं आ रहे हैं तीन सॉन्ग नहीं आ रहे हैं बहुत सारे सॉन्ग आने वाले हैं वो कब आने वाला है वो भी मैं तुमको तो बताऊंगा बस उस पर वर्क चल रहा है तो अभी वर्क जैसे पहले क्या चलता था एक सॉन्ग प्रोजेक्ट है उस पर वर्क चल रहा है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर नहीं अभी ना एक नहीं अभी पाँच छः सात आठ नौ दस गानों पर एक साथ वर्क चल रहा है तो एक एक करके सब के सब तुम सबके सामने आएंगे एकदम मतलब सरप्राइज के दौर फिर तो मैं रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक महीना रुको दो महीना रुको नहीं 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 हर एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में तुमको गाना हाजिर हो जाएगा तुम्हारी प्लेट पे तो वैसे प्लेट पर ऑर्डर करोगे ए एम ओ मोहित चल चल ये ला ये वाला गाना ला इसमें ये चाहिए इसमें ये फील चाहिए इसमें ना ये चाहिए और वो गाना प्लेट में हाजिर हो जाएगा ये लो सर ऐसा सा कुछ ऐसा सा क्या एक्सप्लेन किया एकदम भाई सा कोई बात कोई बात नहीं तो जी निशु चौधरी मोहित आप जयपुर अपने सिटी में भी कॉन्सर्ट करो ना प्लीज आई एम वेटिंग माई फेवरेट मोहित जी हाउ स्वीट तो निशु चौधरी बिल्कुल यार मैं ना जब भी कभी जयपुर में कॉन्सर्ट होगा तो मेरे को खुद को बहुत खुशी होगी पर अभी जयपुर में हो नहीं रहे यार यार पता नहीं 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 क्या हो रहा है मेरे को समझ में आता कोई दिक्कत जब होगा तब होगा मजा आएगा खूब सारा तो वेट करें जयपुर में भी शो का अभी तो बाकी सब जगह हो रहे हैं मोस्टली मजा आ रहा है बस दीपक सिंह कह रहे हैं वेलकम ब्रो टू दी थर्ड वी लाइव चैट वाह दीपक सिंह ब्रो क्या बात है यार ये हर बार काउंट रखते हैं कि अपना कौन सा लाइव चैट जा रहा है तो ये लाइव चैट है अपना सेवनटी थर्ड संडे है जो अपन साथ में मना रहे हैं मे भी हो सकता है संडे कम हो क्योंकि कई बार एक ही दिन में अपन ने ना बहुत सारी लाइव चैट करी जैसे मेरा फर्स्ट लाइव जो मेरे को याद है जो मैंने किया था अगर तुम सबको याद है क्या तुम सब अगर जो जो भी तो उस लाइव चैट का हिस्सा थे एक बार कमेंट जरूर करना देखता हूँ किसी चीज़ को याद था तो जो फर्स्ट एवर लाइव चैट मैंने करी थी वो मैंने मेरे बर्थडे के दिन करी थी और मैं अपने मॉम डैड को पूरी फैमिली को सरप्राइज देने गया था तो वो लाइव चैट थी यार मस्त था तो। वो तो लास्ट ईयर की बात है लास्ट ईयर तो की बात है ना यार लास्ट ईयर की तो बात है हाँ लास्ट ईयर की बात है लास्ट ईयर के बर्थडे की बात है तो दीपक सिंह कह रहे हैं कि गुप्ता बेवफा क्यों है? है और इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है अरे यार कैसे मतलब बताओ अपने क्या मस्त चीज होती है ना इंटरनेट मतलब कुछ भी कुछ भी अपन कुछ भी कुछ भी कर सकते हैं मैं तो आज तक अभी पता है क्या ये ये सोनम गुप्ता बेवफा क्या है समझ में नहीं आता मेरे को तो भाई तुमने क्वेश्चन तो पूछा है दीपक भाई लेकिन मैंने तो आज तक कभी किसी नोट पर नहीं देखा कि सोनम गुप्ता बेवफा ऐसा लिखा हुआ कहीं भी तो ये अपने इंटरनेट वाले लोगों ने पता नहीं, नहीं बेवजह इसको वायरल कर दिया जबकि था ही नहीं कुछ वायरल जैसा मैंने तो आज तक किसी नोट पर नहीं देखा मैंने तो नोट खूब सारे देखे लाइफ में मतलब देखे यार सबने देखे होते हैं मैंने तो आज तक किसी नोट पर नहीं देखा सोनम गुप्ता बेवफा करके बेवजह उसको वायरल कर दिया जरा कुछ ही वायरल हो सकता है अब तो बस ये समझ लो मस्त तो हर्षाली तो कह रहे लुकिंग क्यूट एज ऑलवेज हाउ स्वीट थैंक यू हर्षाली जाजू कह रहे वेन आर यू कमिंग टू जोधपुर मुहित अरे राजश्री जाजू यार देखो यार मेरा क्या है मैं तो कहीं भी आ जाऊंगा तुम बुलाओ तो सही तुम्हारे बुलाने में प्यार होना चाहिए जैसे मैंने शुरुआत में कहा था इंटेंशन हाँ तो इंटेंशन अच्छा रखो और नो टेंशन रखो जल्दी आऊंगा यार तुम्हारी सिटीज में भी मेरे को बहुत मजा आएगा जोधपुर में अभी तक नहीं गया हूँ जोधपुर में पहले गया था लेकिन जोधपुर पहले मतलब इन द सेंस जब मैं रॉस स्टार में नहीं आया था तब 2013 की बात है शायद मेरा एक बैंड हुआ करता था पायरेट्स ऑफ सोल तो उस बैंड के साथ में ना हम गए थे जो आईआईटी जोधपुर के फेस्ट में आईआईटी जोधपुर जो कॉलेज है जोधपुर में तो उसका कॉलेज फेस्ट हुआ था उसमें बैंड वॉर्स में जाते थे हम मतलब मेरे को तो मतलब परफॉर्म करना बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पसंद है तो है ना हम उस टाइम बैंड वॉर्स वगैरह सिंगिंग कॉम्पिटिशन सोलो सिंगिंग सिंगिंग सब सब जगह मैं घुस जाता था परफॉर्म करने के लिए वो स्टेज चाहिए होता था मुझे तो ऐसा सब रहा था तो जोधपुर में तब आया था अभी तो नहीं आ पाया हूँ जब भी आऊंगा तो पक्का अपडेट करूंगा पेज पे जीत फुलिया कह रहे भाई कल मेरा बर्थडे है क्या बात है अरे तो बिल्कुल जीत फुलिया को मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से हैप्पी बर्थडे एडवांस में और कल जब होगा तब भी विश कर देंगे भाई नो टेंशन वाह यो ओके okay. तो अभी अच्छा मैं ना बहुत ज्यादा भी बोल चुका हूँ पर अब मैं चाहता हूँ तुम कुछ बोलो आ, अब ना थोड़ी सी देर अपन अपन तुम सब की बातें सुनते हैं मैं चाहता हूँ तुम बोलो तुम बताओ तुम्हें तुम्हारी लाइफ कैसी जा रही है तुम क्या कर रहे हो इन दिनों तुम्हारी कोई भी चीज हो जिसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ तो प्लीज मुझे वो सब बताओ आप अब मैं थोड़ी देर के लिए मैं चुप रहूंगा मैं सिर्फ तुम्हारे कमेंट्स पढ़ूंगा मैं सिर्फ तुम्हारी बातें पढ़ूंगा तो जो भी तुम्हें कहना है मुझसे कहना है किसी भी और से कहना है थ्रू तो तुम अभी सिर्फ और सिर्फ वो कमेंट करो अभी सिर्फ तुम बोलोगे मोहित जो जितना बोलता है वो चुप रहेगा वेट वेट कर कर रहा रहा तो ठीक है आ गया तो आदित्य तुलसियान ने कहा है कि भाई क्या बताएं आज ही थर्ड सेम का लास्ट एक्सटर्नल खत्म हुआ है अरे यार ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल बोल बोल के ना मेरे को भी मेरे कॉलेज की याद आ जाती है बताओ मैं तो एक्सटर्नल पता ही नहीं कैसे देता था मेरी बहन है राज कश्यप तो मतलब मेरे कॉलेज में क्लासमेट थी पर मेरी एकदम बहन बन गई फिर तो अभी जिंदगी भर के लिए बहन है वो मेरी और बहुत लाडली मेरी तो वो मेरे को हर बार पढ़ाती थी हर एक चीज के लिए इंटरनल एक्सटर्नल फाइनल एग्जाम और मिड सेम कुछ भी हो कुछ भी हो नंदनी मेरे को पढ़ाती थी और उसने मेरे को किसी तरह घिसटा पिस्टा के पास किया नहीं तो मैं पास होने के लायक नहीं हूँ ना शक्ल से ना कर्म से बिल्कुल भी पढ़ता नहीं था मैं ज़्यादा मैं म्यूजिक करता था मतलब म्यूज़िक थोड़ा ज़्यादा करता था तो <coughs> mm -hmm, राजन कह रही लव यू आरज यश कह रही गर्ल फ्रेंड गर्ल फ्रेंड गर्ल फ्रेंड आई थिंक उनकी उनको गर्ल फ्रेंड चाहिए या वो गर्ल फ्रेंड गर्ल फ्रेंड गर्ल फ्रेंड कोई गाना बना रहे या तो जी एफ कोई और शॉर्ट फॉर्म है

मानवी कह रही है बकवास लाइफ है अरे नहीं नहीं मानवी बकवास लाइफ क्यों है लाइफ तो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ होती है आप आज पता है मतलब ऐसी फील आ रही है इसलिए बता रहा हूँ तुम सब खुल आ, मैं मेडिटेट करता हूँ ठीक है ना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा मेडिटेशन है मतलब इवन म्यूजिक से भी ज़्यादा और सब चीज़ों से ज्यादा मेरे को मेडिटेशन ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं मेडिटेट कर रहा था तो मैं ऐसी लाइफ के बारे में से कुछ सोच रहा था तो ऐसी फील हुआ यार मानवी जैसे तुम कह रहे हो बकवास लाइफ लाइफ बकवास नहीं रही लाइफ तो सबसे ही खूबसूरत गिफ्ट है आपके पास में मतलब और कोई चीज़ आपको हैप्पीनेस देने के लिए जरूरी नहीं है सिर्फ आप इतना जान लो कि यू आर अलाइव यू हैव दिस गिफ्ट कॉल्ड लाइफ और इससे बड़ा गिफ्ट तुम्हारे पास में और कुछ नहीं हो सकता है बाकी सारी चीजें छोटी हैं बाकी सारी चीजें uh, मतलब मैं तो मानता हूँ वर्थलेस हैं सबसे बड़ा गिफ्ट ही आपके पास में है कि आपके पास लाइफ है यू आर अलाइव राइट नाउ यू कैन ब्रीथ यू कैन सी यू कैन हेयर यू कैन टच यू कैन फील यू कैन स्मेल तो मतलब इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा यार कितने साल लोगों के पास नहीं है सारी चीज़ें तो हम बहुत लकी हैं कि आज हम हमारे पास ये गिफ्ट है इतना प्यारा खूबसूरत गिफ्ट है लाइफ तो लाइफ बकवास नहीं है लाइफ तो बहुत ही सबसे खूबसूरत गिफ्ट है जो कोई भी तुम्हें दे सकता है तो इसकी थोड़ी सी कदर करो इसको इंजॉय करो इसको फील करो एकदम अभिनव झा कह रहे हैं खाने के लिए परेशान हो रहे थे तुम सब तुम सब या हम सब तो अभिनव झा कह रहे हैं कि उनके कुछ खाने की प्रॉब्लम चल रही है कई बार खाने की प्रॉब्लम हो ही जाती है यार बताओ घर पे अगर हमारी दीदी जैसे खाना बनाने नहीं आए किसी दिन तो मैं तो पागल वागल हो जाता हूँ और फिर तो मेरे को बाहर जाना पड़ता है और फिर बाहर में एक ही जगह जाता हूँ एक बहुत मेरे पसंदीदा जगह जहाँ पे एकदम घर तो जैसी दाल मिलती है और मेरे को तो दाल रोटी पसंद है मुझे

और फिर याद आती है तो मैं खातर पाता हूँ नहीं मम्मी को कॉल कर लेता हूँ माँ याद आ रही है बस और तो क्या करू यार बड़ा प्यारा है बड़ा अच्छा लग रहा है तुम सबकी बातें सुन के सच बता रहा हूँ मैं मेरे को मतलब हर बार मैं बोलता हूँ लेकिन इस बार तुम सबकी बातें सुनकर मुझे बहुत बहुत ज्यादा मतलब मजा आ रहा है भव्य सराव की कह रहे सेम नेम प्लीज देखो भव्या कह दिया मैंने नाम से आगे बढ़ो लेकिन यार थोड़ा नाम वाम से ज्यादा थोड़ी और बातचीत करते मुझे तुम सबको जानना है रे मेरे को जानना है तुम सबकी लाइफ में क्या चलता है तुम्हारी क्या खुशियां हैं क्या परेशानियां है? सारी अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना और दोस्ती कैसे बढ़ेगी तुम्हारी और मेरी जब मैं अपने दिल के हाल तुमको बताऊंगा और तुम अपने दिल के हाल मुझे बताओगे वाह। क्या बात है। तो बताओ 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 हितेश्वर राम कह रहे हैं मस्त जा रही है लाइफ बाई तुम अमरीन फातिमा कह रही है आई वॉन्ट यूर हेल्प वेन एवर आई पब्लिश विल यू हेल्प मी क्या पब्लिश करोगे अमरीन फातिमा प्लीज़ बताओ हितेश्वर राम ने कहा है हाय यार यशवर्मा कह रहे हैं यार सिद्धांत अग्रवाल ने मेरी गर्लफ्रेंड के लिए गाना डेडिकेट कर दो प्लीज़ सिद्धांत अग्रवाल तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम तो बताओ लेकिन नाम नहीं बताओगे तो कैसे मोहित है ना डेडिकेट करेगा कुछ भी चलो फिर भी सिद्धांत अग्रवाल की जो भी गर्लफ्रेंड है जो भी देख रही हैं उनके लिए सॉन्ग डेडिकेट करते हैं आ, तुम सब मत करो मैं कर देता हूं उसने मेरे को खाए तो थोड़ा ये पर्सनल मैटर हो गया पर जिस-जिस के भी जो भी लव्ड वंस है तुम्हारे गर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो तुम्हारा प्यार हो तुम्हारी मॉम हो तुम्हारा डैड हो जो भी है तुम सब जितने भी लाइव चैट देख रहे हो और जो भी अभी देख रहे हो जो भी बाद में देखने वाले हो तुम सब के लव वंस के लिए ये सॉन्ग ठीक है कौन सा मैं सोचता हूं 1 मिनट रुको hmm. कभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं तुझे जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए ये प्यार भरा खाना एकदम कभी कभी जैसे बजती है शहनाई आसी रातों में प्यारा गाना यार ऐसी अच्छा लगा अच्छा अच्छा गाना है बहुत खूबसूरत गाना यार तो <laughs> hmm. uh, किशन सुलंकी कह रहे हैं हाय मोहित हाउ आर यू मैं एकदम अच्छा हूँ किशन सूरज हलदनकर कह रहे हैं हाउ टू कंट्रोल ऑन ब्रेथ वाइल्ड सिंगिंग यार सूरज भाई कंट्रोल करना ब्रेथ को वाइल्ड सिंगिंग तो मुझे भी अभी तक नहीं आया है मैं तो मतलब अपने अंदाज में गाता हूँ मैं सब ब्रेथ भी ले लेता हूँ बीच में रुक भी जाता हूँ ही मेरे को फील आती है देखो एक बात बताओ तुम्हें सिंगिंग के बारे में मैंने शायद ज़्यादा कभी सीखा नहीं है पर मैं सीख रहा हूँ लेकिन एक, एक एक ऐसी चीज़ है जो मैंने हरदम पूरी लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत सीखी है वो ये है कि जैसे हाउ टू कंट्रोल ऑन ब्रेथ वाइल्ड सिंगिंग तो जरूरी नहीं तुम ब्रेथ कंट्रोल कर पाओ जरूरी नहीं कि तुम ऐसा सुर लगा पाओ जरूरी नहीं तुम वैसी ताल में गा पाओ लेकिन तुम जो भी करते हो ना वो तुमसे अच्छा मतलब तुम वो तुम्हारी स्पेशलिटी है ये हमेशा याद रखो लाइफ में जो भी तुम कर सकते हो ना वो तुम्हारी स्पेशलिटी है तो उसको कभी मत चेंज करना उसको कभी मतलब डिस्टर्ब मत करना है किसी के जैसा करने की कोशिश मत करना वो तुम्हारी ओरिजिनलिटी है उस वो वो रियलिटी है तुम्हारे तुम्हारे नेचर की तुम्हारे अंदाज की वो तुम्हारा अंदाज है तो उसको हमेशा रखो ताकि तुम अलग रहो तुम किसी के जैसा कभी मत बनना तुम कभी किसी को फॉलो मत करना कभी किसी के जैसा करने की कुछ कोशिश मत करना जो तुम होना हो एकदम स्पेशल हो तुम ओरिजिनल हो उसको बरकरार रखना बस लाइफ टाइम <laughs> तो मुहे टाक कह रहे हैं रात को जो तू तो खाब ले मैं खाब तू मखमली सी रेशमी सी आवाज तू कहती जिंदगी में आया कैसा क्रिक है कह कुछ भी तू तो मेरा कप केक है मोहित टाग ने तो पूरा का पूरा गाना कमेंट कर दिया क्या बात है यार इतनी प्यार से उन्होंने पूरा का पूरा लिखा होगा so सो स्वीट किशन सोलंगी कह रहे मेरी मोहित मेरी मारी जोड़े तुम्हारा बड़ा वीडियोस है इन्होंने शायद गुजराती में कुछ कहा है पर किशन सुलंकी सॉरी मुझे समझ में नहीं आ रहा ज्यादा लेकिन तुमने कहा मोहित मारी जोड़े तुम्हारा बड़ा वीडियोस है मतलब शायद तुम्हारे पास मेरे बहुत सारे वीडियोस है ऐसा तो अगर ऐसा है तो थैंक यू किशन सुलंकी <coughs> प्रेम जांगण कह रहे हैं दिल है मुश्किल रणवीर विज ने बहुत ही रहस्यमय सवाल पूछा है कोई बात नहीं लगता है राजवीर विजन राजवीर विजन शायद हमारी फैमिली में नए मेंबर है तो कोई दिक्कत नहीं उन्होंने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा उन्होंने पूछा कि लोग उन्होंनेक क्यों बोलते हैं तो राजवीर विजन ब्रो है ऐसा कि अपन ने ना एक गाना बनाया था बहुत प्यार से वैसे अपने बहुत सारे गाने बनाए हैं प्यार से अपने पास मतलब बहुत सारे गाने हैं मैं बताऊंगा नहीं कितने गाने हैं बस ये समझ लो कि बहुत सारे गाने अपने तो धीरे धीरे वो सब मैं तुमको सुनाने वाला हूँ उनमें से फर्स्ट जो सॉन्ग अपन ने पूरी दुनिया के सामने गाया था वो है उसका नाम है तू मेरा कपकेक है तो वो वैसे तो मैंने मेरी लाइफ के कप केक मेरी बहुत एक स्वीट फ्रेंड है आयुषी उसके लिए बनाया था पर तब से मेरे को सब कप कहने लग गए तो ऐसा सा है तो ऐसा है राजवीर भाई पूजा रावत रावत कह रही वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग अरे पूजा देखो रिप्लाई किया तो सर अभी के अभी मैंने कल्पना तमुलत केटी कह रहे तुम इतने क्यूट क्यों हो कप यार पता नहीं यार मतलब वो क्यूट हूं नहीं हूं बुरा हूं गंदा संदा हूं बेवकूफू पागल हूं तो वो जैसा भी हूं लेकिन मैं ऐसा ही हूं बस मेरे को तो ये बात पता है जैसा भी हूं मैं ऐसा ही हूं बस और सबसे बढ़िया बात मेरे को सबके बारे में लगती है कोई तुम्हें प्यारा कहेगा कोई तुम्हें अच्छा कहेगा कोई तुम्हें बुरा कहेगा बुरा कहेगा कोई तुम्हें पागल कहेगा तुम कोई तुम्हें ब्यूटीफुल कहेगा कोई तुम्हें अगली कहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है ये ये याद रखो तुम ऐसे ही हो बस दिस इज़ मी दिस इज़ माई originality एंड मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा एट एनी कॉस्ट तो मैं ऐसा ही हूँ पसंद करना है तो करो नहीं करना है तो मत करो तो कल्पना तो अमलित केटी कह के रही है तुम इतने क्यूट को कप केक तो बल ना इतनी प्यार से आपने पूछा उसके लिए बहुत थैंक यू पर <coughs> मैं जैसा भी हूँ ऐसा ही हूँ बस ऐसा ही हूँ मैं ऐसा ही हूँ अजीब सा हूँ लेकिन ऐसा ही हूँ क्यूट लगता हूँ तुझे लेकिन ऐसा ही हूँ मैं पर थैंक यू कल्पना थैंक यू तो जी अब मुझे लगता है आज अपन ने बहुत सारी मस्त मस्त बातें कर ली मैंने तुम सबसे बहुत सारी चीजें पूछी तुम सब ने काफी सारी चीजें बताई भी धीरे धीरे तुम और ओपन अप हो गए तुम और सारी चीजें अपनी बताओगे लाइक ये सारी चीजें मेरे साथ शेयर करोगे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और कुछ भी नहीं कोई हूँ कोई कुछ सेलेब वेलप नहीं होता मतलब मतलब मैं नहीं हूँ और सब होंगे यार लेकिन मैं नहीं हूँ मैं तो हूँ बस अपन अपन एक है ये समझ लो तुम जो तुम सब जो देख रहे हो मैं मैं तुम मैं अपन सब एक हैं अपन सब कोई डिफरेंट कोई डिफरेंट नहीं है या मैं कोई वो नहीं हूँ हो सलेब्रटे और तुम ऐसे कुछ भी नहीं है भाई अपन सब एक हैं एक वन वन आर वन फैमिली एक फ्रेंड ग्रुप कह लो बस वही है अपन तो अब मेरे प्यार से दोस्तों मेरी प्यारी सी फैमिली जाने का टाइम हो गया है और जाने का टाइम हो गया और नेक्स्ट संडे को ज़रूर कोशिश करूंगा वापस आने की देखो संडे तो आना ही है सुपर संडे विद एमजी तो हर वीक होगा ही होगा अब वो संडे को हो रहा है या मंडे को हो रहा है ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि मैं कब कर पाऊंगा है ना थोड़ा सा ये दिक्कत है बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेरे साथ में तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीक के लिए नेक्स्ट सुपर संडे विद एम के लिए नाइन पी के लिए रेडी हो जाओ मेरे को बाय कहना है और बाय अपने अंदाज़ में कहना है जैसा मोहित और मोहित के सारे फैमिली और फ्रेंड्स कहते हैं कैसे हैं आए ए जो तुम सब देख रहे हो ना आई लव यू बहुत सारा एकदम दिल से और बस जाने से पहले तुम्हारा आई तो लव यू टू सुनना है और फिर जाकर मस्त काम वाम करूँगा सोऊंगा खाऊंगा मस्त आई लव यू मेरा आई लव यू टू का है है का मेरा तो युवराज सिंह राजपुर की तरह लव यू बाय भैया ये बात खुशबू कह रहे लव यू कप केक तो फिजा पठान कह रही है बाय लव यू निश्चय चौधरी कह रहे बाय लव यू टू हाँ ये ये लव यू टू ही चाहिए होता है मुझे दीपक सिंह कह रहे बाय ब्रो आई लव यू आशुमा घर कह रही लव यू टू वैष्णवी इंगोले कह रहे बाय टेक केयर ए लव यू बोल देने का ना यार करती है प्यार बोल देना करती है ना बोल दे, ना, बोल दे यार प्लीज यार तो तानिया गिर कह रहे बाय बोलने का मन नहीं है मेरा भाई बोलने का मन नहीं होता नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ लव यू टू बोलते प्र, प्रक्षित पांड्या कह रहे हैं लव यू टू मोहित भाई राखी जैन कह रहे हैं लव यू टू हाई देखे कितना कमी ना होना मैं सारी सुंदर सुंदर लड़कियों से लव यू टू बुलवा लेता हूँ सही हूँ मैं जंटू मैं क्या कहता हूँ मैंने ऐसा ही हूं मैं बस जैसा भी हूँ ऐसा ही हूँ मैं तो जी बहुत सारा प्यार तुम सब के लिए मेरे प्यार से दोस्तों आई लव यू बाय टेक केयर नेक्स्ट वीक फिर से मिल रहा है